कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोहर बाड़े, कि सांवर न गोर बाड़े। इसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अक्षरा सिंह के प्रोग्राम देखने के लिए, तो चलिए आप दिखाते हैं। खतरनाक पेड़ों से चढ़ करके ये देखिए चारों तरफ पेड़ों में चढ़े हुए हैं माहौल देखने के लिए, और हम लोग इतना पीछे आ चुके हैं कि दिखे ना रहा। देखिए सामने एम्बुलेंस का जो सही उपयोग है ये कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है कि हम लोग को अक्षरा सिंह को देखने का भी मौका नहीं मिल रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं कि किधर से भी दिख जाए थोड़ा। और आज से ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। आज इटखोरी के लोग बाड़े सावर न रो मोर बाड़े हो तब का तब एक बात जे कि आप भी जाने आगे कि प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है। I'm sorry बाबू, I'm sorry। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो एम्बुलेंस जा रहा है वहां से, उनको जाने दीजिए प्लीज, कुछ इमरजेंसी है। ऐसा रंगा रंग कार्यक्रम जो है वो दो दिन तक और चलने वाली है, 20 और 21। एक बार नाइट में जरूर पहुँचे राजकीय महोत्सव, राजकीय इटखोरी महोत्सव 2024 में। ये समझ में आ जाए क्यों नहीं आना चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है कि लोग घर में बैठ कर के पछताते कि क्यों नहीं गए, और कभी कभी होता है कि आ करके पता चलता है कि क्यों आना चाहिए। फिलहाल मजा तो आ रहा है वैसे, कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोहर बाड़े, कि सांवर न गोर बाड़े। कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोहर बाड़े, उसमें वही पैटर्न चलेगा पहला वाला। आप सब मेरा साथ दीजिए इस गाने में।
पता है क्या, हिंदी भी हो गया, भजन भी हो गया, वापस हम लोग भजन में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझ रही हूँ कि इनका मिजाज क्या है और वो तब से क्या चाह रहे हैं। आई लव यू बोल रही है, हम प्रश्न ले लिए, अभी को बोली है, हम प्रश्न ले लिए, आज इंस्टाग्राम में टैग करेंगे, आई लव यू टू। काफी ज्यादा भीड़ था लेकिन धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है भीड़, 50% जो भीड़ है वो खत्म हो चुका है और सामने स्टेज है जो प्रोग्राम चल रहा है अक्षरा सिंह का। तो आज का जो प्रोग्राम था अक्षरा सिंह का वो लास्ट प्रोग्राम था और आज का प्रोग्राम इसी के साथ समापन होता है। तो चलिए इस तरीके से दो दिन और भी एंजॉय करने को आपको मिलेगा राजकीय पिटखोरी महोत्सव में।